क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। जुआ खेलने वाले 15 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुआरियों के पास से 2,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। हाथौद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको इंदौर से दे रहे हैं, जहां क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी मिली है। हाथौद थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। जुआ खेलने वाले 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआरियों के पास से 2,50,000 रुपए जब्त किए गए हैं। इसी खबर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा बने हुए हैं। हेमंत शर्मा, प्रशासन का क्या कहना है, क्योंकि जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया गया है? देखिए, गोकुलधाम सोसाइटी या हाथौद थाना क्षेत्र में जहां पर पुराने मकान में जुआरी को जुआ खेल रहे थे, इसकी सूचना मुखबिर की सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच की टीम एक्टिव हुई और वहां पर पहुंचकर दबीश दी, जहां से घोड़ा पासा के जरिए जुआ खेलने वाले 15 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2,50,000 रुपए नगद, साथ ही जुआ खेलने का सामान जब्त किया है। हिसाब भी इनके पास में लिखा हुआ था और आप इनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में अब ये बात भी सामने आ रही है कि इसमें जो आरोपियों को पकड़ा है, इनके पूर्व के भी रिकॉर्ड जुआ खेलने के, इनको पहले भी पुलिस ने पकड़ चुके हैं, पर लगातार जो क्षेत्रों के अंदर जुआ संचालित करने वाले लोग हैं, इन पे नकेल कसने के लिए क्राइम ब्रांच लगातार कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने हाथौद पहुंचकर ये छापेमार कार्रवाई कर 15 आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया है। जी हेमंत शर्मा, बने रहिए हमारे साथ।